नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। जी के शहादत दिवस पखवाड़ा के अवसर पर आयोजित निषाद राजनीतिक जागरूकता, रघुवंश बाबू ने आप लोगों को बताया कि पांडव जो महाभारत में जो था, हम लोगों का किस तरह से रिश्ता था। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भागवत पुराण वगैरह पढ़िए तो जितने वेद पुराण वगैरह हैं, ये बताते हैं और ये निकलता है कि हम और आप सब लोग कृष्णवंशी हैं, सभी लोग पांडव। अब ये और अभी जो हमारा और आपका जो रिश्ता है, ये दर्द का रिश्ता है। ये हम सब आप लोग इसके लिए अलग अलग मंच बना करके संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां भी। आरक्षण का मामला हो, संविधान का मामला हो, हम लोग चाहते हैं कि हमारा संविधान जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखने का काम किया, उसको हम लोग बचाएं। और हम लोगों का तो शुरू से ही मांग है, लालू जी की भी मांग है, हमारी पार्टी की भी मांग है कि तमिलनाडु के तर्ज पर 70% जो है आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। और जुबा साहनी जी ने जो हम सब लोगों के लिए जो शहादत देने का काम किया, शुरू के दौर में नाम इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन जब लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो काफी, चाहे पार्क हो, झील हो, जो नामकरण जो है शहीद जुब्बा साहनी जी के नाम से लालू जी ने किया। और आपके समाज के लिए, निषाद समाज के लिए, हमारे जितने मछुआरे भाई थे, उन सबों के लिए जो है टैक्स भी फ्री करने का काम किया था। और राजनीतिक जागरूकता की बात की जाए या हिस्सेदारी की बात की जाए, चाहे कैप्टन निषाद जी को एमपी बनाना हो या बिहार सरकार में मंत्री बनाना हो, एमएलसी बनाना हो, लालू जी ने हमेशा से आप सब लोगों पर ध्यान दिया था। और जो राजनीतिक चेतना जो जागरूक करने का जो काम किया, लालू जी की देन थी। सिर्फ आप ही लोगों का समाज नहीं, जो गरीब गुरबा, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, जिसको बोलने का अधिकार नहीं था, खटिया पे अपने बैठने का अधिकार नहीं था, कुआं से पानी निकालने का अधिकार नहीं था, जिसके लिए हमारे पूर्व में नेता सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, और लालू जी कर्पूरी जी के विचारधारा को आगे ले जाकर के सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम किया और सामाजिक न्याय का झंडा को ऊंचा करने का काम किया, मंडल कमीशन को भी लागू कराने का काम किया। आज आरक्षण है, संविधान है, तो हम और आप सुरक्षित हैं। बिहार में सत्ता में किस तरीके से काबिज हुए, चोर दरवाजे से आकर के जनता ने नकार भी दिया, जनता ने वोट तो महागठबंधन को दिया था, लेकिन चोर दरवाजे से नीतीश कुमार जी चाचा के सहयोग से वो आज बिहार के सत्ता में भी हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब संविधान ही बदल दिया जाएगा तो आरक्षण तो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा।